हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो दूसरा टॉपिक है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट वो मैं आपको उसके लिए दूसरा अलग से लेक्चर बनाऊँगा, क्योंकि वो कुछ क्वाइट सा है और उसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ता है, इसलिए उसको थोड़ा वीडियो बढ़ जाएगा, इसलिए एक छोटा वीडियो। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगा, वो ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बात है, उसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। डिटरमाइंड बाय द हाइएस्ट डेरिवेटिव्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हो, जो डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल है, उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जांपल पे आते। अच्छा, डेफिनेशन हमने प्रॉपर वे से समझ ली कि जो हाईएस्ट ऑर्डर हो डेरिवेटिव के, मतलब के जो सिंगल वन डेरिवेटिव होता है, टू डेरिवेटिव होता है, जैसे सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव बोलते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं, ये क्या हैं, ये ऑर्डर्स हैं डेरिवेशन के। ये सारे क्या हैं, ऑर्डर्स हैं डेरिवेशन के। ये क्या हैं, सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये डेरिवेशन के ऑर्डर्स हैं। तो हमें ये सीखना है और हमें ये प्रॉपर वे से पहचानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ऑर्डर है ये कौन सा है और कौन सा नहीं है, कितने ऑर्डर्स का जो है हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देखेंगे, जो ये स्क्वायर में दिया हुआ है, ये जो बाहर वाला जो है स्क्वायर में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये डिग्री है। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। और ये भी जो है इनके बाहर जो होल पावर में दिया हुआ है, ये भी डिग्री है, ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो ऊपर पावर दी हुई है, ये भी डिग्रीज हैं, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 4 है, ये भी हम इसके बारे में जस्ट अभी तो आप ये लगा लें कि ये डिग्री है, ये जो इसके होल पावर में ये डिग्री है, और इसके भी होल पावर में जो है ये डिग्री है, इसके भी होल पावर में जो है वो डिग्री है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में ये प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जो वाई का जो पावर है वो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, 1 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, जस्ट इतनी बात बस। उसके बाद दूसरा जो है वो पार्शल है, पार्शल में पार्शल 2u/t2, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट जो है वो डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 बनेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ भी उसका जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है, देखें पार्शल 2w/x2, ठीक है, तो ये इसका भी जो हाईएस्ट जो डिग्री बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा, हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा ये है कि जो इसका पार्शल 3 है, उसके बाद जेड है, उसके बाद पार्शल वाई 3 है, तो इसका भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या बने, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो यही है ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जस्ट ऐसे मेजर कर सकते हैं, ऐसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसके ऊपर कितना पावर है, ठीक है, होल स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, जस्ट उसके ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर देखेंगे आपकी कितना उसका जो है वो एक्सपोनेंट कितना दिया, अगर 2 एक्सपोनेंट दिया हुआ हो तो आपका ऑर्डर 2 होगा, अगर 3 एक्सपोनेंट दिया हो तो आपका ऑर्डर 3 होगा, अगर 4 एक्सपोनेंट दिया हो तो आपका ऑर्डर 4 होगा, ऐसे अप टू 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह सीख सके होंगे और इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक प्रॉपर वे से अच्छी तरीके से आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, और हम इसको कैसे कंसिडर किए थे, क्योंकि ये कुछ क्वाइट है, इसलिए मैंने क्वाइट बोला, क्योंकि इसके जो बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं ऐसी जिसमें कुछ डिफरेंट हमें वे से उसको देखना पड़ता है, इसलिए हमें आपको वो चीज़ भी सिखाऊंगा उस दूसरे लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, सो अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल।